शहर के आपागंज गली नंबर 4 निवासी 60 वर्षीय अधेड़ महिला एक हलवाई के यहाँ पूरी बेलने का काम करती है। महिला ने 24 मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि हलवाई दिलीप पाल व उसके सहयोगी भरत कुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस को लिखाई रिपोर्ट में ये भी बताया कि दिलीप ने उस पर बटन वाले चाकू से हमला किया और जान से मारने के लिए गाड़ी ऊपर चढ़ा दी थी। इस मामले में FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस ने दिलीप को 24 मार्च और भरत को 28 मार्च को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में अपने बचाव में आरोपी दिलीप ने पुलिस को बताया कि वह घटना के समय वह रेलवे कॉलोनी में एक कार्यक्रम में था। पुलिस ने जब आरोपी के मोबाइल नंबर की CDR खंगाली तो मोबाइल लोकेशन रेलवे कॉलोनी और आसपास के क्षेत्र की मिली, जो घटना स्थल बताया गया था, वहां उसकी उपस्थिति नहीं दिखी। इसी को आधार बनाकर पुलिस ने न्यायालय में दिलीप पाल के प्रकरण में खात्मा रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया। जब कोर्ट ने खात्मा रिपोर्ट स्वीकार नहीं की तो पुलिस ने आरोपी दिलीप का DNA टेस्ट कराकर सैंपल जांच के लिए भेजा था। अब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पुलिस ने इस रिपोर्ट से कोर्ट को अवगत कराया है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने से आरोपी घटना सम्मिलित होने के पुख्ता सबूत मिल गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हो गए हैं। 24 मार्च को SI कृष्णा गर्ग ने जब पूछताछ की तो पीड़िता ने दिलीप पाल उर्फ कल्लू का नाम बताया, लेकिन न्यायालय में दिए कथन में बताया कि घबराहट में आकर उसने कल्लू का नाम लिखा दिया था। इस मामले में एक खास बात ये भी रही कि पुलिस ने आरोपी की शिनाख्त परेड भी नहीं कराई थी। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।